गाइस कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से गुलजार सन्नीवाला की मच अवेटेड फिल्म डीजे वाले बाबू को लेकर। ऐसे में काफ़ी सारे प्रेडिक्शन निकल के आ रहे हैं फिल्म को लेकर लगातार बैक टू बैक। तो बस करते हैं शुरुआत और जानते हैं फिल्म से जुड़ी हर अपडेट। ऐसे में आपको बता दूँ फिल्म में आपको लीडिंग में नजर आ रहे हैं गुलजार सन्नीवाला, मुकेश तिवारी और आशीष दुग्गल। बजट है 2 करोड़ रुपये। तो बस जानेंगे आज इस वीडियो में कि फिल्म ने 8 दिनों में 9 दिनों में कितनी कमाई कर लिया है, फिल्म हिट हो गई है या ब्लॉकबस्टर। आपको बता दें फिल्म को रिलीज़ हुए आज 9 दिन पूरे हो चले हैं लेकिन जो इसकी स्क्रीन्स हैं वो काफ़ी शॉर्टेड हो चुकी है और माना जा रहा है कि 14 दिन पूरे होते होते ये फिल्म पूरी तरह से क्लोज हो चुकी होगी। अब जैसा कि माना जा रहा था कि काफ़ी वक्त से कि इस फिल्म की स्क्रीन्स बढ़ाई जाएंगी, इस फिल्म को और स्टेट्स में रिलीज़ किया जाएगा, तो आपको बता दूँ आप उस चीज़ के सपने भूल जाइए। ये फिल्म अब रिलीज़ नहीं हो रही है क्योंकि 2 दिन बाद रिलीज़ होगी राम सेतु, हर हर महादेव और थैंक गॉड, जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रीन्स नहीं मिल पा रही है। अब बस इंतजार कीजिए कि इस फिल्म को कोई भी OTT प्लेटफॉर्म एक्वायर कर ले तो जल्दी से आप इस फिल्म को OTT पर देख पाओ। वेल अभी के लिए फिल्म क्लोज होने जा रही है बहुत जल्द। आज भी फिल्म 2 से 2.5 लाख रुपये कमा रही है जो कि ठीक ठाक और नॉर्मल कलेक्शन है। वहीं बात करें फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन को लेकर कि इस फिल्म ने अभी तक टोटल कलेक्शन कितना कर लिया है, तो आपको बता दूँ फिल्म का टोटल कलेक्शन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आ रहा है वो आ रहा है 2 करोड़ 60 लाख रुपये का। क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये फिल्म का जो कलेक्शन है अभी बस कुछ साइट्स के मुताबिक आ रहा है, कुछ सर्टेनिटीज़ के मुताबिक आ रहा है। जो इसका परफेक्ट कलेक्शन है उसकी अभी तक अपडेट नहीं दिया है गुलजार सन्नीवाला ने या उनकी टीम ने। जैसे कोई अपडेट आती है फिल्म को लेकर मैं आपको डेफिनेटली कंफर्म करूंगा और आपको उदास होने की जरूरत नहीं है कि फिल्म आपके एरिया में रिलीज़ नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूँ गुलजार सन्नीवाला जल्द लौटेंगे अपनी अपकमिंग फिल्म के साथ जो कि आ रही है नेक्स्ट मंथ नवंबर में। बी अलर्ट। वेल वीडियो आपको पसंद आई हो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।